क्या आपको कहना है अमित शाह जी? वो तो कह रहे हैं बातचीत करने के लिए तैयार है। मुंह में राम बगल में छुरी है। अरे आपको देश की जनता ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है जो आप अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हैं। जब आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया, एक बात बताइए, ये किसान है कि आतंकवादी है भाई? आप इनको आने नहीं दे रहे, वाटर कैनन से पानी छुड़वा रहे ठंडा में, आपको शर्म नहीं आई? इतनी निर्लज्जता की पराकाष्ठा, अमानवीय है आप। कभी सीए एनआरसी के बहाने मुस्लिमों को परेशान करते हैं, कभी जामिया जेएनयू में जाकर छात्रों को परेशान करते हैं, कभी नोटबंदी लाकर पूरा देश को तबाह कर देते हैं, कभी जीएसटी लाके व्यापारी भाइयों को तबाह कर देते हैं। पूछा जाता है, अगर इतनी व्यवस्था अगर गलवान घाटी में किया होता, अगर पुलवामा में किया होता, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। हमारे आपके घर की चूल्हा तभी जलता है जब ये अपने खेतों में मेहनत करते हैं, बरसात में, ठंडा में, सांप, बिच्छू, कनगोजर सब रहता है। बहकाया जा रहा है किसानों को, हम तो किसान कौन बहका रहा है? आप पत्नी छोड़ दिए, तो आपको भी कोई बहका दिया था कि जसोदाबेन जी को भरी जवानी में छोड़ दिए थे? न सुहागन रही न विधवा। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तब पोता पोती से खेलते कि तोता से खेलते, कभी मोर से खेलते। और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है पक्षी को, ऐसा लग रहा है पक्षी को रखते हैं तो एक दोस्ती सी हो जाती है। लेकिन कभी इंसान से भी पूछ लीजिए, 10 लाख का सूट पहन लेता है, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घर या 1.5 लाख का चश्मा, कहता फकर फकीर है, खालिस्तान से जोड़ रहा है। अरे शाहीन बाग में बैठ गया तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे भैया बिहार में चुनाव था तो इनका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहता है आतंकवादी घुस जाएगा, इनका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है 300 आतंकी बिहार में घुसने के लिए तैयार है, अब कहता है अलकायदा बंगाल में घुसने के लिए तैयार है। तो तू लोग शासन सत्ता में बैठ कर गृह मंत्रालय का छक मारता है, मुजरा कर रहा है वहाँ बैठ के। जब मुकेश अंबानी खिलौना कंपनी खरीदता है एम्बलीज, तब प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। मुकेश अंबानी जब जियो फोन को लॉन्च करता है तो एमटीएनएल बीएसएनएल कंपनी को डुबा देते हैं। अरे अनिल अंबानी के लिए राफेल का फाइल दबा दिया, रंजन गोगोई जैसा जज अपना ईमान बेच लिया, इतना बड़ा शकुनी मामा तो हमने देखा ही नहीं। अरे भैया काहे है, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से नहीं आने दिया जा रहा, दिल्ली से आने दिया जा रहा, चोर के दारी में तिनका, कहा डरते हैं भैया? चंद कदम के दूरी पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, राष्ट्रपति है, कृषि मंत्री है, तो आपको यहाँ आने में शर्म लगता है? एक बात बताइए, भाजपा का नेता सर बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाता है, बड़ा बड़ा बयान देता है, तो किसान भाई के लिए 4 गो रोटी व्यवस्था नहीं कर सकता है? अरे निकम्बो निठल्लो, एक सेक्टर बचा था खेती का। भारत देश में जो आजीविका का साधन है, कृषि प्रधान देश है, 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। बांग्लादेश जो हम बाद में 1971 में बना है, वहाँ का जीडीपी देखिए, भारत का देखिए, जहाँ $5 trillion की बात हो रही थी। आप स्कूल कॉलेज बनाते, आप अस्पताल बनाते, कंगना का छज्जा टूटेगा तो पूरी दुनिया को रातों रात चंद्रचूर जैसे 2 कौड़ी के लुचा भंगा पत्रकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज जमानत देता, तो आज देश में वो जज कहाँ है? पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत, कहाँ है पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव, कहाँ है जनरल बी के सिंह, कहाँ है किरण बेदी, वो तमाम लोग। ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते आप? जब देश के अन्नदाता किसान भाई परेशान है तो आप क्यों नहीं बोलते? आज आपके मुंह में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है। अरे नेताओं शर्म करो।